हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% एनम। तो देखिए, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए, एस आई को जो हमें वो 0.125 टाइम्स करना है, मतलब एस आई कितना हो गया हमारा 0.125 पी। इस तरह से हमारा एस आई हो गया। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब देखिए, रेट जो है हमारा वो भी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10%। तो रेट की जगह पर 10% रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा पी इंटू 10 अपॉन 100 इंटू टी, इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, 10 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए, 0.125, तो जब भी हमें पॉइंट हटाना होता है तो अपॉन में क्या आ जाता है, जितने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा होता है। जैसे पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो नीचे 1000 आएगा। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट होती तो अपॉन 100 आता है, इस तरह से। तो पॉइंट हटा देंगे यहां से, तो ये बन जाएगा हमारा 125 अपॉन 1000। अब देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो हमारा टी जो है वो कितना आया है, 125 अपॉन 100, ये आया है हमारा टी। अब देखिए, अगर इसे डिवाइड किया जाए 25 से, तो ये 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो ये हमारा आ गया 5/4। अब देखिए, अगर इसे सोल्व करके लिखा जाए तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 1/4 ईयर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम बिकम डबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इफ इट इज कैलकुलेटेड एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, कितने सालों में सम जो है वो डबल हो जाएगा 12% पर एनम के रेट से, वो हमसे पूछा गया है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए, डबल का मतलब क्या है कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, हमें 200 मिलेंगे, डबल हो जाएगा। तो देखिए, 100 का जो है डबल होके 200 हो गया। अब हमें यहाँ पर जो एसआई है, जो इंटरेस्ट है हमारा, वो कितना हुआ, देखिए 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 200 आपको मिल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब 100 रुपये हो गया। अब रेट क्या है, 12% रेट है इंटरेस्ट का, तो इसका मतलब अब देखिए, इन्वेस्टमेंट 100 का है, तो 100 का अगर 12% देखा जाए तो हमारा पता चल जाएगा कि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट 12% है इसलिए। तो देखिए, ये हमारा आ गया 12, मतलब एक साल में जो एसआई हमें मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है 12 रुपये। और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारा, ये हमारा 100 रुपीज, एक साल में 12 रुपीज मिल रहा है। तो देखिए, अगर हम डिवाइड करें 100 को जो है 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने ईयर्स। तो देखिए, 12 8 जा 96 हो जाता है, तो यानी कि 8 ईयर्स, 8 सालों तक अगर 12 12 रुपये जो है हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 सालों में 96 हो जाएंगे, बचे कितने, यहाँ पर 4 रुपये बचे। तो देखिए, 4 रुपये जो है हमारे वो 4 महीने में मिल जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 रुपये का मतलब है हर महीने 1 रुपया। तो देखिए, 8 सालों में हमें मिल जाएंगे 96 रुपये, बचे 4 रुपये, तो वो 4 महीने में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 ईयर्स 4 मंथ्स। थर्ड क्वेश्चन है, ए सम डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए, हमसे कहा गया है एक सम जो है वो डबल हो जाता है 16 सालों में। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 200 हो जाते हैं कितने सालों में, 16 सालों में। तो 16 सालों में जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिल गया, 100 रुपये इंटरेस्ट मिल गया हमें। तो देखिए, अब हमसे पूछता है हाउ मैनी ईयर्स इट वुड इट ट्रिपल। तो यानी कि हमसे पूछा गया है कि 100 रुपये ट्रिपल का मतलब क्या है हमारा, 300 कब होंगे। तो देखिए, अगर ट्रिपल की बात की जाए तो 100 का 300 होना ट्रिपल हो जाएगा, तो यानी कि इसमें ऐसा ही कितना मिल रहा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, तभी जो है ट्रिपल होगा। तो देखिए, 16 सालों में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये, तो 200 रुपये कितने सालों में इंटरेस्ट मिलेगा हमें, अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो 200 आया है हमारा। तो इसी तरह से इसमें अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 ईयर्स। तो देखिए, 32 सालों में हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 200 रुपये, और अगर 200 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल जाए
तो हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 300 हो जाएगा। देख 100 प्रिंसिपल है, 200 में इंटरेस्ट चाहिए तो 300 हो जाएगा। 100 रुपये इंटरेस्ट हमें 16 सालों में मिल रहा है तो 32 सालों में 200 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 32 ईयर्स। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल अ सम डबल इटसेल्फ एट 15% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए फोर्थ की अगर बात की जाए तो ये हमसे कह रहा है कि कितने समय में जो हमारा सम है वो डबल हो जाएगा। तो देखिए अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम तो वो 200 कितने टाइम में होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%, तो यानी कि 100 का 15% अगर निकाला जाए तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 15 रुपीज। मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें 15 रुपये मिल रहा है, और हमें इंटरेस्ट टोटल कितना चाहिए, देखिए डबल होने के लिए इंटरेस्ट हमें चाहिए 100 रुपये। एक साल में हमें 15 रुपये मिल रहे हैं, तो यानी कि अगर हम टोटल हमें 100 चाहिए और एक साल में मिल रहे हैं 15, डिवाइड कर दीजिए तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, देखिए अगर डिवाइड करें पहले 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 3 जा, तो देखिए हमारा आ गया 20/3। तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 and 2/3 ईयर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 and 2/3 ईयर्स। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स। मतलब के 5 सालों में कोई निश्चित धनराशि डबल हो जाती है तो 4 गुनी कितने सालों में होगी। देखिए हमसे बोला जाता है कि 5 सालों में डबल हो जाती है, मतलब 100 का 200 हो जाता है कितने सालों में, 5 सालों में। तो मतलब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाता है हमें, 100 रुपये। अब हमसे पूछा गया है कि वो 4 गुना कितने में होगी, तो मतलब 100 का अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो 400 मिलें तो वो कितने सालों में होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना मिलना चाहिए, 300 का मिलना चाहिए, क्योंकि 100 हमारा प्रिंसिपल है, 300 इंटरेस्ट मिल जाएगा तो 400 हो जाएगा। तो देखिए 100 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल में, तो 300 कितने साल में मिलेगा, तो देखिए इंटू 3 है इधर, और इधर भी रिलेशन इंटू 3 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 ईयर्स, 15 साल में 300 रुपये जो है हमें वो मिल जाएंगे। तो इसका मतलब 15 साल में 4 गुना होगा, इसका मतलब फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट 6 and 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कितने सालों में निश्चित धनराशि जो है हमारी वो डबल हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6 and 1/4%। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए बोला जा रहा है डबल के लिए, तो मतलब 100 का इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 200 मिले इस तरह से, और जो हमारा इसमें सिंपल इंटरेस्ट है ये देखिए कितना मिलना है, 100 मिलना है, और यहाँ पर रेट क्या बोला गया है, रेट बोला गया है 6 and 1/4%। तो देखिए 6 and 1/4% को अगर देखा जाए तो ये कितना बैठता है, देखिए 6 4 24 और 1 25, तो यानी कि 25/4% ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए अगर 100 का 25/4% निकाला जाए तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो इंटू 100 आएगा, तो यानी कि एक साल में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 25/4 रुपीज, और हमें टोटल कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे टोटल, और जब 25/4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 16 ईयर्स, 16 ईयर्स हमारा आ गया। तो हमारा सिक्स्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 ईयर्स। इसके बाद सेवंथ है, सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स। मतलब कि कोई राशि जो है वो 3 गुनी हो जाती है 15 सालों में, तो वो 5 गुनी कितने समय में होगी। देखिए 3 गुनी का मतलब है 100 का अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो 3 गुना मतलब 300 हमें मिले, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, 200 रुपये हुआ। अब यह जो सिंपल इंटरेस्ट है कितने सालों में मिला है, तो हमसे बोला गया है 15 सालों में ट्रिपल हुआ है, तो मतलब कि 15 ईयर्स में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 200 रुपये मिला है, और हमसे पूछा है कि 5 गुना, तो मतलब कि 100 का 500 हमें कितने टाइम में मिलेगा। तो देखिए 100 का 500 करने के लिए इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए हमें, 400 रुपये मिलना चाहिए, 200 हमें मिलता है 15 सालों में,
तो 400 के लिए अगर रिलेशन देखा जाए तो इंटू टू का है, यहाँ पर भी इंटू टू कर देंगे तो ये देखिए 400 जो है हमें वो 30 सालों में इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये हमारा 100 का 500 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर होगा 30 ईयर्स। सेवन्थ का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 ईयर्स। एट्थ है हमारा ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, इन हाउ मैनी ईयर्स कैन इट बी डबल्ड। तो ये हमसे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट जो है वो हमारी ट्रिपल हो जाती है 15 सालों में और 15 साल 6 महीने में, तो कितने सालों में वो डबल हो जाएगी। तो देखिए हमसे बोला गया है ट्रिपल, तो 100 का 300 कितने सालों में, 15 साल 6 महीने। अब देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ईयर्स, तो यानी कि 15 एंड हाफ ईयर्स, 15 और आधे साल में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, और हमसे क्या कहा गया है डबल के लिए, तो यानी कि हमें 100 के 200 बनाने हैं, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए हमें, सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए 100। अब देखिए 200 इंटरेस्ट जो है वो हमारा 15 एंड हाफ ईयर्स में मिलता है, तो 100 इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, तो इंटू हाफ कर देंगे, देखिए 100 हमारा मिल जाएगा, इंटू हाफ करेंगे इधर भी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 15 एंड 1/4, इस तरह से बनेगा 15 एंड 1/4 ईयर्स। अब 15 एंड 1/4 ईयर्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 15 साल, और या फिर सिंपली इस तरह से समझिए कि 15 साल 6 महीने का आधा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7 साल 9 महीने, मतलब के 7 ईयर्स 9 मंथ्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, 7 ईयर 9 मंथ्स। इसके बाद नाइन्थ है हमारा ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, नाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम बिकम 6 टाइम्स, मतलब के 3 गुना हो जाती है 5 सालों में, तो 6 गुना कितने समय में होगी। देखिए हमसे बोला गया है 3 गुना, तो यानी कि 100 का इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 300 मिले, तब जाके 3 गुना होगा, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 200 रुपये। अब ये 3 गुना जो है वो कितने समय में हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 5 साल में, तो यानी कि 5 ईयर्स का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें मिल रहा है 200 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, 5 गुना निकालना है, 5 गुने के लिए 100 का अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 500 मिलने चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 400 रुपये का। देखिए 200 का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 5 सालों में, तो 400 का इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, देखिए इंटू टू का रिलेशन कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों में हमारा 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब 10 साल में ये हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। तो नाइन्थ का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 ईयर्स। इसके बाद टेंथ, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इन 8 ईयर्स। तो देखिए हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके हिसाब से 5 सालों में कोई धनराशि 8 सालों में कोई धनराशि 5 गुनी हो जाए। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, 5 टाइम्स बोल रहा है, तो यानी कि 100 का 500, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 400। 8 सालों के लिए बोल रहा है, तो 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 400, तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में हमें मिल जाएगा 50 रुपीज। एक साल में अगर 50 रुपये इंटरेस्ट मिलता है कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, तो देखिए जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो ऊपर आएगा, जितने के इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा वो नीचे आएगा, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से 100 कैंसिल होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 50%। टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 50%। इसके बाद एट व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। डबल का मतलब क्या हुआ हमारा, 100 का इन्वेस्टमेंट करें और 200 मिल जाए हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 100 रुपये का मिलेगा, कितने सालों में, 15 सालों में, तो यानी कि 15 ईयर्स में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज है, तो एक साल में कितना हो जाएगा हमारा, 100/15, ये हमारा एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए एक साल में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपॉन जितने के इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है इंटू 100, ये हम कर देंगे, तो सोल्व करने पर क्या होगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 100/15। अब 100 अगर 100/15 को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो किस तरह से होगा, तो देखिए 5 2 10 0, 5 3 15, तो यानी कि 20/3, तो ये किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको,
इसे हम लिख सकते हैं 6 and 2 by 3 years, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए 11th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6 and 2 by 3%। इसके बाद 12th है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 14 and 2 by 7% रेट ऑफ इन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए डबल के लिए बोला है, तो यानी कि 100 के इन्वेस्टमेंट पे 200 मिलने चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 100 रुपये। रेट बोला गया है हमसे 14 and 2 by 7%, तो यानी कि कितना हो गया, देखिए 14 7 जा, ये हमारा हो जाएगा, 98 + 2, ये हमारा हो जाएगा 100, यानी कि 100/7%। अब देखिए 100/7% है, परसेंट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, × 100, तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एक साल में हमें कितना जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मिलता है 1/7 रुपीज का। अब एक साल में 1/7 रुपीज का मिलता है, अब देखिए ये जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितने पे मिल रहा है, 100। तो देखिए 100 का 14 and 2 by 7% कितना होगा, तो इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100/7 रुपीज, मतलब कि एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 100/7 रुपीज। तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है हमें, मतलब 100 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो हमें कितने सालों में मिलेगा, तो देखिए इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 100/7 इंटरेस्ट मिलता है, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। परसेंटेज निकालनी है इसलिए इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल होगा और क्या आएगा हमारा, सॉरी ये इस तरह से होगा कि एक साल में हमें इंटरेस्ट मिलता है 100/7, तो 100 रुपीज कितने सालों में मिलेगा, तो देखिए अगर यहाँ पर एक साल में हमें दिया गया है 100/7, तो हमें जो है 100 के लिए निकालना है कि 100 हमें कितने सालों में मिलेगा। तो देखिए अगर 100 रुपीज की बात की जाए, तो अगर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 रुपीज आ जाएगा, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि 7 सालों में हमें 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 7 ईयर्स। तो 12th का आंसर हो जाएगा हमारा 7 ईयर्स। इसके बाद है, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। तो देखिए ट्रिपल का मतलब क्या है हमारा, 100 की इन्वेस्टमेंट पे 300 रुपये हमें मिले, तो SI कितना हो गया हमारा, 200 रुपये, और हमें टाइम दे रखा है 25 ईयर्स, तो यानी कि 25 सालों में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 200 रुपये। तो एक साल में हमारा कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में हो जाएगा ये हमारा 200/25, यानी कि 8, तो 8 रुपीज जो है वो हमें एक साल में इंटरेस्ट मिलता है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो देखिए एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8 रुपये, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, परसेंटेज निकालेंगे इसलिए इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 8%। 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 8%। इसके बाद 14 हमारा, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनुअली विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। तो ये देखिए कितना होगा, 7/4 times का मतलब है, अगर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें तो ये हमारा 700/4% हो जाए। तो देखिए SI कितना निकलेगा यहाँ से हमारा, SI हो जाएगा 700/4 - 100, तो यानी कि SI निकल गया 300/4, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला है कितने सालों का, तो ये देखिए हमारा है 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में कितना मिलेगा इंटरेस्ट हमें, 300/4 भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 300/16, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, और परसेंटेज निकाल दें तो इसलिए इंटू 100 करेंगे, तो देखिए जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28, और 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा हमारा 75/4, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 18 and 3/4%, इस तरह से हो सकता है हमारा। तो हमारा 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18 and 3/4%। इसके बाद वो सॉरी 14 का 15 है हमारा, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 1300/15 5 years and 1600/16 20 8 years। तो देखिए क्या बोला गया है कि 1350 रुपये 5 सालों में हो जाते हैं, और वही अमाउंट 8 महीनों में
मतलब 8 सालों में 1620 हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से होगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। अब देखिए ये होता है एक साल के लिए पी प्लस एस आई। अगर 5 सालों की बात की जाए तो प्रिंसिपल में तो कोई एडिशन नहीं होगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5 सालों का कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये किस तरह से होगा, पी प्लस 5 SI। आप इस तरह समझिए, मान लीजिए आपको एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 10 रुपए मिलता है, तो अगर 5 सालों की बात की जाए तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, यानी कि इंटू 5। तो इसी तरह से पी प्लस 5 SI हमें क्या दे रखा है, 5 सालों का, 5 सालों के बाद वो राशि जो है कितनी बन जाती है, 1350, और 8 सालों के बाद वो बन जाती है 1620। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा सोल्व करेंगे माइनस करेंगे, देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बनेगा -3 SI इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए 1620 जो है उसमें से माइनस करेंगे 1350, तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 270। माइनस से माइनस हट जाएगा हमारा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ये हमारा आ गया 90 रुपीज। अब देखें 90 रुपीज जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखें यहां बात की गई थी 5 सालों के बाद जो हमारा अमाउंट बनता है वो 1350 बनता है, तो 5 सालों में क्या हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट कितना मिला होगा, एक साल का इंटरेस्ट है हमारा 90 रुपए, तो 5 सालों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 450 रुपीज। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हुआ, तो देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो 1350 रुपीज था। अगर इंटरेस्ट जो है हमारा 5 सालों का 450 रुपीज वो हटा दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा, प्रिंसिपल हुआ 900 रुपीज। तो देखिए 15 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 900। इसके बाद 16 है, इफ 5000 बिकम्स 5700 इन अ ईयर्स टाइम, व्हाट विल 7000 बिकम एट एंड ऑफ 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया 5000 रुपए जो है वो 5700 हो जाते हैं एक साल में, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना मिलता है, 700 रुपए, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 5000 की इन्वेस्टमेंट पे, और परसेंटेज निकालने तो इसलिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 × 2 = 10, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ गया 14%। अब हमसे पूछ रहा है कि 70000 रुपए जो है वो 5 सालों में कितने हो जाएंगे, तो देखिए अगर बात की जाए 70000 की, तो 70000 का वो 7000 का अगर 14% निकाला जाए तो ये हमारा बन जाएगा 980 रुपए। तो देखिए एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 980 मिल रहा है, तो 5 सालों में कितना मिलेगा, इंटू 5 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 04, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों में, और प्रिंसिपल कितना है 7000 रुपए, तो अमाउंट कितना मिल जाएगा हमें, प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 11900। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 11900। 17 हमारा, इस सर्टेन सम बिकम्स 2700 इन 2 ईयर्स एंड 2900 इन 4 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट। तो देखिए किस तरह से होगा, 2700 में दे रखा है 2 सालों में, तो यानी कि मैंने आपको बताया अमाउंट होता है पी प्लस एस आई, 2 सालों के लिए बोल रहा है, तो 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ेगा, ये हमारा बन जाएगा 2700 रुपये। इसी तरह से दूसरा हमें दे रखा है 4 सालों के लिए, तो पी प्लस 4 SI हमारा कितना दे रखा है, 2900 रुपीज। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे उसी तरह से, तो ये हमारा 2 SI जो है माइनस का, ये हमारा आ जाएगा -200। तो देखिए 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 रुपए है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 100 रुपए है, और हमें क्या दे रखा है, 2 सालों के बाद जो हमारी राशि है वो 2700 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो अगर अमाउंट में से 200 रुपए जो इंटरेस्ट के हैं, ये जो है हमारा इंटरेस्ट जो है, अगर ये माइनस कर दें तो क्या हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो देखिए 2700 जो हमारा अमाउंट है इसमें से 2 सालों का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 2500 रुपए। अब देखिए 2500 के इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है 2500 के इन्वेस्टमेंट पे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 25 4 जा, तो ये हमारा हो जाएगा देखिये
4%, ये हमारा क्या निकला है, रेट। तो यानी कि प्रिंसिपल निकला है हमारा, ये देखिए प्रिंसिपल निकला है हमारा 2500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है 4%। तो इसका मतलब 17th का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, 2500 4%। 18th क्वेश्चन है, इफ ए सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 5182 एंड 5832 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 and 3 years रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द सम। तो देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा, हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2 सालों में हमारे हो जाते हैं 5182, तो यानी कि 2 सालों में प्रिंसिपल जुड़ेगा और 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो हमारा कितना बन जाएगा, ये हमें दे रखा है। इसके बाद दे रखा है कि 3 सालों में, तो यानी कि प्रिंसिपल प्लस 3 सालों का इंटरेस्ट, तो ये कितना बन जाता है हमारा 5832। अब देखिए इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरह से होगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एस आई इज इक्वल टू, अब देखिए 5832 में से 5182 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 650, माइनस का 650 आ जाएगा। तो यानी कि 1 साल का जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 650 रुपये मिल रहा है, तो 2 सालों का कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 1300 रुपये। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर देखी जाए तो इसमें अगर 2SI की जो वैल्यू है वो माइनस कर दी जाए तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए 5182 में से माइनस कर देंगे 1300 को, तो ये हमारा आ जाएगा 28, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 और 4 में से 1 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या निकला है, 3882 रुपीज़, ये हमारा प्रिंसिपल निकला है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट हमें मिलता है 650 रुपये, कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 3882 के इन्वेस्टमेंट पे, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 करेंगे इस तरह से, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 3882 रुपीज़। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3882 रुपीज़। इसके बाद 19 है, सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स 2320 इन 3 years एंड 2800 इन 5 years, फाइंड द हाफ ईयरली रेट परसेंट। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा, यहाँ पर हमसे बोला गया है 3 सालों का पहला केस, तो देखिए प्रिंसिपल ऐड होगा प्लस 3 सालों का इंटरेस्ट ऐड होगा, ये हमारा दिया गया है 2320 रुपीज़। इसके बाद 5 सालों के लिए बोला गया है, तो प्रिंसिपल और 5 सालों का इंटरेस्ट ऐड होकर हमारा कितना बन रहा है, 2800 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 2SI इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए 2800 से माइनस करेंगे 2320, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 480। तो यानी कि SI कितना निकला हमारा, ये देखिए SI हमारा निकल जाएगा 240 रुपीज़। अब अगर ये हमारा 1 साल का निकला, अगर 3 सालों की बात करें तो 3 साल का SI कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 720 रुपीज़। अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन में 3 सालों का SI जोड़कर ये आ रहा है, तो अगर हम 3 सालों का इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ पर, देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए 1 साल में कितना लग रहा है और प्रिंसिपल चाहिए, तो हमारा निकल सकता है, तो इसलिए प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए जो हमें 2320 दे रखा है इसमें से माइनस कर देंगे 720 को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1600 रुपीज़, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया है। अब देखिए 240 का हमें इंटरेस्ट मिलता है 1600 के इन्वेस्टमेंट पे, अब रेट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज में इंटू 100 इसलिए हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 4 4 16 4 6 0, और ये हमारा बन जाएगा 4 1 4 और 4 5 20। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा सालाना है वो कितना मिल गया, एनुअली निकलता है, देखिए हमारा ये निकलता है 15%। अब हमसे पूछा गया है हाफ ईयरली, अब देखिए 1 साल में अगर 15% लगता है तो आधे साल में कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 7.5%, ये हमारा हाफ ईयरली परसेंट रेट हो जाएगा। तो 19th का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7.5%। इसके बाद 20 है हमारा, इफ ए सम ऑफ मनी एट सम एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज
टू 4000 इन टू ईयर्स एंड 5500 इन 4 ईयर 6 मंथ्स, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 20 में क्या दिया गया हमें, 2 सालों के लिए बोला गया है अमाउंट। तो देखिए पी प्लस 2 SI हमें दिया गया है, यानी कि 4000 रुपये, और जब हमसे बात की गई है 4 साल और 6 महीने, तो यानी कि 4.5 ईयर। 4.5 ईयर का मतलब क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया 9/2 ईयर्स, क्योंकि देखिए 4.5 ईयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 1 = 9, तो 9/2 ईयर्स, तो 9/2 ईयर्स का इंटरेस्ट लगेगा 9/2 SI, ये कितना बनता है 5500। तो देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 - 9/2 SI इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा माइनस का 1500। अब देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 2 × 2 = 4, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका मतलब -5/2 SI इज इक्वल टू -1500। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से ये कैंसिल कर दें तो 5 × 3 = 1500, तो SI जो है हमारा वो निकल के आया है 600 रुपीज। अब देखिए 2 सालों के लिए बात की गई है फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 सालों की अगर बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपये, क्योंकि ये हमारा निकल के आया था 1 साल का, 2 सालों में 1200 रुपये, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अमाउंट है 4000, इसमें से माइनस कर देंगे 1200, तो ये हमारा 2800 जो है ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब देखिए 1 साल में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 600, तो 600 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कितने के इन्वेस्टमेंट पे, 2800 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। और अब हम जो है परसेंट निकाल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटू 100 करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा 600/28। तो देखिए इसे सोल्व कर करके लिख सकते हैं 21 3/7%, क्योंकि देखिए 7 अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 7 4 1 4, और इसके बाद 4 5 और 0, तो देखिए ये हमारा 21 3/7% आ जाए। इसका मतलब 20 जो क्वेश्चन है उसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 21 3/7%। देखिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।